बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पिछले साल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया था। वहीं इन दिनों आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में काम कर रहे हैं। आमिर हमेशा से ही अपने किरदार और फिल्म की कहानी के साथ एक्सपेरिमेंट करते ही हैं। लाल सिंह चड्ढा की तैयारियां भी आमिर काफी दिनों से कर रहे हैं। फिल्म में आमिर के साथ करीना कपूर खान नजर आएंगी। अब लीजिए, इस फिल्म के हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी दी है। तरण ने ट्विटर पर फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा है कि क्रिसमस 2020 रिलीज के लिए तैयार। हैशटैग लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान, को-स्टार करीना कपूर खान, क्लासिक हैशटैग फॉरेस्ट गम से प्रेरित। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित पोस्टर में पहली फिल्म का नाम आसमान में लिखता हुआ नजर आता है। वहीं इसके बाद पोस्टर में बैकग्राउंड में फिल्म के रिलीज डेट के बारे में लिखा आता है। यह फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी, मतलब क्रिसमस 2013 पर आमिर खान अपनी इस फिल्म को लेकर आएंगे। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म में आमिर खान के साथ साथ शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे। खबर के मुताबिक आमिर खुद अपनी फिल्म में अपने दोनों दोस्तों सलमान और शाहरुख को ला रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आमिर की इस फिल्म में सलमान और शाहरुख का कैमियो रोल होगा। स्क्रिप्ट में शाहरुख खान के लिए आमिर खान की स्पेशल अपीयरेंस है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के रोल के लिए कंफर्मेशन हो गई है। आमिर ने खुद शाहरुख का रोल लिखवाया है, लेकिन सलमान को अभी भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गम को रॉबर्ट जेमकिस ने डायरेक्ट किया था और टॉम हैक्स इस फिल्म में नजर आए थे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और साथ ही आपको लाल सिंह चड्ढा का यह फर्स्ट लुक कैसा लगा, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।